उपराजधानी नागपुर में भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ रमजान ईद मनाई गई। बड़े पैमाने पर ईद की नमाज के बाद नागरिकों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद उल फितर या रमजान ईद इस्लाम के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। इसे रमजान के महीने भर के उपवास रोजे के समाप्त होने के बाद मनाया जाता है। इस्लामिक चंद्र कैलेंडर में नौवां महीना रमजान है और दसवां शवाल, जिसका अर्थ है उपवास तोड़ने का त्योहार। शवाल महीने का पहले दिन मुसलमानों द्वारा उल फितर के रूप में मनाया जाता है। उसी प्रकार नागपुर शहर में भी बेहद ही खूबसूरत तरीके से रमजान ईद का पर्व मनाया गया। सभी मस्जिदों में तकरीबन 8 से 10 के बीच ईद की नमाज अदा कर सबने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाइयां दी। जैसा कि आप जानते हैं कि रमजान ईद में दो चीज बहुत खास है सभी के लिए, जो है शीर खुरमा और ईदी। सभी ने फातिहा के बाद शीर खुरमे की लुफ्त उठाया, साथ ही छोटे बच्चे भी अपने बड़ों से ईदी लेकर बेहद खुश नजर आए।